गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान हैदर मोहसिन अली आपको खुश आमदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज तो खैरियत से होंगे, लंबा डाला है टीम को। तो जैसे कह रहे जी, देर कर दी आते आते। भाईजान हमारी टीम ने भी डिक्लेरेशन करते करते देर कर दी। बात टीम का कह रहे हैं। अच्छा, मैं समझा शायद हमारी बात कर रहे हैं आते आते। जैसे आपको बताया था, ग्राउंड में तो अलाउड नहीं होता ना भाई, बाहर आके वीडियो बनानी पड़ती है तो जरा थोड़ा टाइम लग जाता है जनाब साहिल साहब। तो भैया एक दफा फिर वही वीलॉग जो बनाया उसका लिंक मैं अभी भी डाल दूंगा लाइव कमेंट्स में, टॉप पे आपको दिखेगा। अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, और अगर देख लिया तो फिर देखिएगा। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, रन रेट पाकिस्तान का 3 से ऊपर नहीं गया, 2.93 आई गेस। 162 ओवर पाकिस्तान ने खेले और लाइकिंग से जाहिर है कि नहीं उस तरह एक्सेलरेट कर पाए। रिजवान की प्रमोशन की वो भी कोई खास नहीं कर पाए, और बीच में इफ्तिखार ने भी कुछ गेंदें खेली। एनीवेज अजहर अली ने बीच में अच्छा किया, क्योंकि करते कराते ओवरऑल वो 50 पे ले गया अपना स्ट्राइक रेट। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि स्ट्राइक रेट बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ सेशन में मैटर करता है। जब चीज़ें आपके हाथ में हो तो फिर आपको 4-4.25 के रन रेट से एटलीस्ट खेलना चाहिए। सुबह का सेशन तो बहुत ही ठंडा गया, सिर्फ 57 रन बने थे जो कि किसी तरह भी काबिले कबूल नहीं थे। तो अजहर अली अनफॉर्चुनेट रहे, 100 के बहुत क्लोज थे लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा खेले आज वो। बाबर आजम रन आउट हुए और काफ़ी क्राउड में लोग चाह रहे थे वो भी रन जोड़े, लेकिन बहरहाल ही कुडंट मेक इवन अ 50। दूसरी तरफ इंडिया फुल कंट्रोल में भैया, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 108 स्कोर पे, और अभी बेतहाशा रन्स रहते हैं, 450 रन्स अभी रहते हैं इंडिया के ऊपर हैं, और 6 विकेटें। तो अश्विन 2, जडेजा 1, बुमराह 1, और नो बॉल पे अगर बुमराह विकेट ले लेते तो वो भी कमाल हो जाता, सिर्फ एक निशानका रह जाता, तो श्रीलंका भी अगर आउट हो जाता तो वो भी कमाल हो जाता। लेकिन चलो, वहां पे काफी अच्छी इंडिया ने ग्रिप अपनी मैच पे बनाई हुई है, और मोस्ट लाइकली दे गोना बैक अनदर कंफर्टेबल विक्ट्री। लेकिन यहाँ की बारी करनी थी उन्होंने, यहाँ पे सूरत हाल जरा थोड़ी सी तशवीशनाक है, कंसिडरिंग द फैक्ट के कुछ सेशंस जो हैं वो बारिश की नजर भी हो सकते हैं। तो यार अब आपके लिए कल 10 मिनट पहले पीसीबी स्टार्ट कर रहा है, क्या करे वो। कल खेल 10 मिनट पहले स्टार्ट होगा, आज जल्दी खत्म हुआ है। बैड लाइट की सूरत में एक ही ओवर खेला है ऑस्ट्रेलिया, और बेवकूफी की इन्होंने, 2-3 ओवर जो और थे खेलते रहते हैं, चेंज ओवर में भी 10 मिनट निकल गए। तो परांजन प्रासन करेंगे माय प्रेडिक्शन, जडेजा विल टेक 5 विकेट्स फॉर मैन ऑफ द मैच। ओके लेट्स सी, वो ऑलरेडी वैसे मैन ऑफ द मैच है, 5 विकेट्स ना भी ले तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई 20 विकेट लेगा अकेला बंदा तो वो मैन ऑफ द मैच। और शाम की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों का जो कल मैच है उसमें इन डिटेल, रात वाली वीडियो में हम बात करेंगे। जी भाईजान, काफी लोगों ने तारीफ की आपके ये जो रेड रेड कलर का अपने अपर और जंपर और व्हाटएवर यू स्वेट शर्ट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो लेकिन मैं आज भी उत्तर करीब नहीं गया, तो भाईजान चले जाए, मेरा कॉपीराइट है किसी पे। आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया यार, व्हाट इज दिस, कोई गपशप आज नहीं लगानी थी। बहरहाल जी, मीडिया बॉक्स में अच्छा लगा कि शेन वॉन साहब को ट्रिब्यूट पेश किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने। हम जरा नीचे आपकी खिदमत में वीडियो बना रहे थे तो वो ऊपर आपकी खिदमत में जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। एनीवेज रिजवान साहब, दोनों ही हैरानकुन बातें हुई हैं इधर। तो पाकिस्तान, मैंने आपको बोला था ये अगर आप डिक्लेयर कर भी दें रिजवान साहब तो अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, बैड लाइट है। ऑस्ट्रेलियंस गए और वही हुआ, एक ओवर वो भी साजिद से आपने करवाया, बैड लाइट हुई, छुट्टी होगी, फायदा क्या हुआ मुझे बताएं इतना लेट डिक्लेयर करने का। और अगर आपने फवाद आलम को रोका था इस नीयत से कि तेज खेलेगा तो इफ्तिखार ने कौन सी वहां पे चले, रिजवान तो फिर 50 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, मान लेते हैं 50 प्लस लग नहीं रही थी एक स्टेज पे। भाई जान, मेरा सवाल आपसे ये है, 5 स्कोर था उसका, मेरा सवाल ये है आपसे कि डिक्लेरेशन इतना लेट, आज का दिन लेबोशेंग के नाम है, व्हाट अ थ्रो कि वो रन आउट और फिर आपके सबसे 185 पे सेटल्ड अजहर अली
की विकेट भी ले जाना। लेकिन मुझे बताएं, अब आपने ये मौसम है हो गया, अगर बारिश नहीं भी होती, आपने लाइट्स भी अभी भी बोलते कि पीछे ऑन है, बैक लाइट बैक ड्रॉप में लाइट्स आर ऑन, तो मुझे बताएं आपने ये अभी इतना डिले करके फायदा। हाँ ये एक लाइट और भी आए और शेर अली भाई का मैसेज लेते रहते हैं जी, और थिंकिंग जो छह विकेट बची हैं कह रहे हैं जी उसका अचार डाल लें पाकिस्तान में। आपने कहा ना कि पीछे बैड लाइट है, तो मैं समझा कि आप हमें कह रहे हैं कि ये बैड लाइट है। नहीं, आप तो बड़ी खूबसूरत लाइट है यार, क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ी प्यारी लाइट है। लाइट कम है तो ये आप भी आ, ये देखें लाइट सलाम सिराजी की जो ये तो रिफ्लेक्ट लाइट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइट है। लेट मी इंट्रोड्यूस ज़िशान कयूम, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पीटीवी के साथ एसोसिएटेड है। अरसलान सिराजी भाई भी ये इंग्लिश वाले हैं, ये पीटीवी वर्ल्ड जो इंग्लिश में है वहाँ पे ये हेड है। थोड़ा आगे है ना, छुप रहे क्यों हैं आप, ठीक है इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि हफ्ते बाद ताजा उस तरह करते हैं हर मंडे वाले दिन सुबह सुबह। मैं तो सुना रोज करते हैं भाभी रोज पूछती हैं भाई आगे ने हाथ पैर दी ने बड़े चमकाले हाथ ने। तो भाइयों कैसा मतलब महसूस हो रहा है, काफी सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया आई या पाकिस्तान, जरा लाउड बोलना पड़ेगा। दो दिन से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर मैं देख रहा हूँ कमाल की है। इवन जो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड से जर्नलिस्ट आए हुए हैं वो भी कह रहे थे कि हमने टेस्ट मैचेस में इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं देखा के लोग आ रहे हैं और बकायदा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और वो जो बाजे हैं ना वो कह रहे थे कि ये बड़े इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जो पाँव पाँव हो रही है, बहुत मजे का एटमॉस्फेयर होता है। पहले तो हम ये बाजे से यहाँ पर बसंत पे सुनते थे लेकिन अब हमें क्रिकेट मैचेस में ये देखने को मिलते हैं। बहरहाल दो दिन बड़े कमाल के गुजरे हैं, अब अल्लाह करे कल बारिश जो है वो रेन जो है वो ज्यादा इसको हॉल्ट ना करे टेस्ट मैच को, और ये कोशिश जो है जारी रहे। जर्नलिस्ट क्योंकि आप को काफी लाइव निशान करते हैं खबर, तो ये बताएं कि ये जो दो दिन पूरे आपके दोस्त ने निकाल दिए कैसा डिसीजन है, क्या चार पॉइंट्स आप समझते हैं लॉजिकली ठीक है मैच ड्रॉ होने की सूरत। देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि आपके तीन अहम फास्ट बॉलर्स जो थे वो आपके पहले टेस्ट से बाहर निकल गए, आपकी फास्ट बॉलिंग उस तरह से मजबूत नहीं। अगर सिर्फ शाहीन को आप सामने देखते हैं, नसीम शाह को आप उस तरह से अभी नहीं देख सकते जिस तरह से आप फहीम अशरफ हसन अली और बैटिंग स्लो की इन्होंने, बैटिंग बिल्कुल स्लो की है और थोड़ा सा नेट रन रेट इनको रन पर ओवर देखना चाहिए था। सिर्फ चार हुए हैं, बाकी चार आउट हुए हैं और स्कोर जो है दो दिन में 476। सिराजी साहब 162 ओवर और रन जितने हुए हैं, थोड़ी सुस्ती नहीं की आज खासतौर पर पहला सेशन, सिर्फ 57 रन, एक बंदा आउट हुआ है यार। आप सिर्फ सुस्ती कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि डर रहे थे, पता नहीं इन्हें ये डर था कि हम कहीं हार ना जाए, वो दलेराना भी कर रहे हैं एक आउट होने के बाद भी डर। शिराजी साहब आप समझते हैं कि चार बॉलर से आप इन्हें 20 विकेट ले जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में ये डर रहे हैं और पहले से माइंड सेट बना के आए हैं कि हमने ड्रॉ करना है, ये पहले से माइंड सेट बना। ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी काफी है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, पॉजिटिव माइंड के साथ जाना चाहिए था और आपको लड़ना चाहिए था। पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, वो जो चेयरमैन और वीआईपी लॉग जिसमें आप और हमारे और बाकियों के भी बच्चे आ जाया करते थे वो खाली है, क्या वजूहत है आपने अगर पूछा पीसीबी से? तो उनसे पूछा है तो आजकल एक ही बहाना है वो है कोविड, तो उन्होंने वही बहाना बनाया, पूरा चेयरमैन बॉक्स खाली है, वो कहते हैं कोविड की वजह से हमने इधर कुछ भी किसी को, बाकी ग्राउंड में कोविड नहीं है सिर्फ उस पास है, वही कह रहा हूँ बहाना उनके पास। चले जी मैं आपको बता देता हूँ, ये सरकारी टीवी वाले नहीं बता रहे, जाकिर खान है जो इमरान खान साहब के तो उनके पास है ये सारे पास। चलो जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, सी यू टुमारो। तो जनाब शेर अली साहब कह रहे हैं जी पुअर थिंकिंग, जो छह विकेटें बची हैं उनका अचार डालना है क्या पाकिस्तान डालना है, यही 100 रन क्विक कर लेते, टी टाइम पे डिक्लेयर कर देते, सर इस तरह की पिच में तो मैकग्रा भी 200 कर देगा भाई। तो शेर अली भाई ये बात सुबह से हम कर रहे हैं, पहले सेशन का भी अख्तिताम नहीं हुआ था तब भी हम कह रहे थे भाई थोड़ा तेज खेलो, विकेटें अगर गिर भी जाएंगी तो आपने 7 बैट्समैन डाले हुए, 7 इंक्लूडिंग विकेट कीपर बैट्समैन 7 बंदे हैं, तो भाईजान आप 50 गेंदों पे 40 कर लो 35 कर लो तब भी काबिले कबूल है, टीम के लिए खेलो, लेकिन बहुत ही सुस्ती से खेला पाकिस्तान। एनीवेज अब जो हुआ सो हुआ,
रिजवान साहब इसे सुस्ती नहीं कहते हैं, देखें हालांकि ये जिशान और नेगेटिव माइंडसेट बोल लें, जिशान और अरसलान दोनों सरकारी टीवी पे मतलब बड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं यहाँ जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन उन्होंने भी देखे खुल के ये बात की है। रिजवान साहब आई एम सॉरी टू से, अगर लोग इस पे मुझे नेगेटिव कहते हैं तो आई डैम केयर अबाउट इट, यू शुड कम अप विद अ क्लियर कट प्लान, यू डोंट हैव एनी प्लान। देखें जो दोस्त मेरा मजाक कर रहे हैं जी साढ़े तीन दिन में सा, भाई बैटिंग अभी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू ही नहीं की, पाकिस्तान दो दिन खा गया, उधर देखें उन्होंने रिजवान साहब एक सेशन और एक घंटा लिया और जनाब 574 रन का पहाड़ डाला है, उन्हें कहा आओ संगियो बैटिंग करो, चार उनके आउट भी कर दिए, नो बॉल पे भी एक विकेट मिल गई, चले चार ही आउट कर दिए 108 रन, वो भी तेज खेल रहे हैं, ये नहीं है श्रीलंका बॉक डाउन हुआ हुआ, वो भी अपनी बैटिंग कर रहे हैं, ये अपनी बॉलिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं जब आपने देख लिया लाइट्स आर ऑन, हाँ जी, आपको यार यहाँ तो किसी छोटे बच्चे को ले आया ना रोड पे से, वो कह देगा कि जनाब रिजवान हैदर साहब नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस ऑफ डेक्लरेशन, नाउ कंटिन्यू, आपने जो रन पहाड़ और बनाने बनाए, कल सुबह आए और उन्हें कहे आए जी खेले, कोई फायदा नहीं हुआ, एक ओवर जो आपने साजिद खान से करवाया उसका क्या फायदा होना था, और कोई फायदा नहीं, 10 ओवर चेंज ओवर में 10 मिनट निकल गए भाई जान, आपने मिस किया ट्रिक, सुपर अजहर अली, देखे अजहर अली जो बाद में खेला है और वो पहले क्यों नहीं खेला, अगर ये बैटिंग कर रहे होते तो फिर बैड लाइट में भी इनका था कि ये खेलते रहते एक दो ओवर और खेल लेते तो चार पांच ओवर और खेल जाते, यही बात है ना, क्योंकि वो बैटिंग वाले बोलते हैं जी लाइट कमजोर है हमने नहीं खेलना, नहीं खेलना वो ऑफर होती है उन्हें, एक ओवर जो इन्होंने करवाया, दो ओवर जो इनके चेंज ओवर में गए, और अगर ये खेल रहे होते तो ये खुद भी खेल लेते, क्योंकि अब कोई फायदा था नहीं, करना था डिक्लेयर तो बिल्कुल सही बोला शेर अली ने, टी तक इन्होंने इतने रन जो अभी किए टी तक इन्होंने कर लेने चाहिए थे और डिक्लेयर कर देते, अभी फायदा, अगर आपका बाबर आजम रन आउट ना होता, आप ईमानदारी से समझते हैं कि वो जब तक 100 ना करता ये डिक्लेयर करते, 100 तो नहीं था लेकिन 70-75 ही होने तो थे, बात तो वही हो गई ना, 100 और 75 में 20 रन कम कर दें आप, मतलब उतने बाद में आके जो रिजवान ने किए हैं उतने वो कर जेता बीच में वो डाल दो, तो ये 70 तो सर फिर ये मेंटालिटी से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं ना, देखें फिर माने कि आपका जो इंटेंट है वो यही है कि भाई हमारे क्योंकि बॉलर नहीं दो तीन, तो हारिस रहू तो खेला ही नहीं, आप दो बॉलर नहीं है इसका मतलब ये है कि आप लंबी बैटिंग करेंगे, भाड़ में जाए रिजल्ट। बहरहाल जी वो मैंने आपको बताया था पहले भी, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट पता नहीं हमें खुश कर रहा था या क्या उसकी ये तो मैंने आपको वो, था घेर रहा आपको वो हमें खुश कर रहा था, कहता है जी गोरे पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी अप्रोच है, वो ऑस्ट्रेलिया को आज भी खिलाए ग्राउंड में ही रखे, कल भी पहला सेशन ग्राउंड में ही रखे और फिर बॉलिंग करे, इनको फॉलो ऑन होता है तो ठीक है, वरना अगले दो मैचेस में ये थके हुए होंगे और तीन दिन का बीच में गैप है तो उनकी टांगों में जान नहीं होगी और जिस्म में यू नो के थका हुआ होगा तो अगले मैचों में अच्छा करेंगे। हर्ष टेक्टा बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर पिंडी में सूरज जल्दी निकलता है तो आप एक घंटा पहले, भाई 10 मिनट पहले की मुझे कुछ समझाएं तो सही, नहीं व्हाट डज इट मेक एनी सेंस, चलो आधा घंटा पहले भी हो जाए, देखिये कल 90 ओवर पूरे हुए हैं, कल 90 ओवर पूरे हुए हैं और लाइट्स लगी हुई है, बैड लाइट कैसे हो गई, आज जो है थोड़ा सा ग्लूमी है और ये तो काफी देर से है, जब हम टी पे आए थे उस वक्त भी तब से ही है, इस वजह से नहीं हो पाए, लेकिन कल पूरा शाइनी था तो आपने देखा पूरे 90 ओवर हुए थे, लेकिन रोशनी ठीक ठाक हो जाती है, सुबह जब हम लाइव थे तो उससे पहले मतलब आप 9:30 बजे इसका आगाज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ताकि वो बीच में ना बात आए, एनीवेज कल रोशनी ठीक थी तो पूरे 90 ओवर हुए। अब यहाँ तो भाईजान आपने 90 ओवर में कल 245 किया, आज आपने फिर वही किया, तो अगर आप 3 रन के स्ट्राइक रेट से नहीं चल सकते टेस्ट क्रिकेट में, वो देखिए 4 प्लस के से गए हैं, आज ये ओवरऑल हमारा 3.5 से 3.5 के बीच में होना चाहिए था, 3.5 को टच करना चाहिए था, लेकिन उसी के सही कह रहे हैं नमन कुमार के मिसबा वाली अप्रोच है, वैसे नहीं देखे ये बुरा मिसबा को कहना ये ज्यादती है, मिसबा आप छोड़ के चला गया कितने साल हो गए, कोई 4 साल होने को आए, अगर उसके जाने के 4 साल बाद भी ये जब बुरा खेलेंगे आप मिसबा को दोष देंगे तो ये ज्यादती है,
आपने सारा दिन में कितने रन बनाए? 245। ये इनका कसूर है जो खेल रहे हैं उन पर डाले। मिस बात तो चला गया ना, उधर गया ना। आपने कितने रन बनाए सारा दिन? इस बात तो चला गया आप उस पे। यानी कि कल तो चलो पहला दिन था, मान लिया नर्व्स से, आज क्या किया इन्होंने? मिसबा अगर पावर छोड़े, मिसबा नहीं नहीं छोड़े क्यों? मिसबा को बात हुई है तो बात पूरी करें के वो यूएई में उसने जब तेज खेलना था तो विव रिचर्ड का रिकॉर्ड उसने पूरा कर दिया 54 गेंदों पे 100, तो उसमें तो सलाहियत थी कि छक्के मारने की भी। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा छक्के मिसबा ने ही मारे हुए, तो जब छक्कों की जोत होती थी तो भाई वो छक्के भी मारता था। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई नहीं लग रहे, तो आप इसका मिसबा पे नहीं, मिसबा तो चला गया जो था, अब इनका ये है जैसा भी ये खेल रहे हैं। आपने कल से भी कम रन बनाए, चले थोड़ी देर आप कम खेले हैं, लेकिन भाईजान कल तो चले पहला दिन था, नर्व्स थे, एक विकेट, आज आपने कौन से तीर? आप इसका मतलब बड़ा साफ है कि आप जनाब कहते हैं 4 पॉइंट मिल जाए तो ठीक है, इसका तो यही मतलब है ना? एनीवेज खेला स्लो है पाकिस्तान, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये जो परफॉर्मेंस है, तकरीबन रन जो इन्होंने डाले और विकेट नहीं गिरी, तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस है। पिच चले अभी चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग नहीं की, कल वो बैटिंग करेगा तो फिर हम अच्छी पोजीशन में होंगे एनालाइज करने के लिए कि क्या वाकई ही पिच इसी तरह की है, बिल्कुल रोड है, या कि पाकिस्तान बड़ा एक्सेप्शनल खेला है। कल हम जब इस टाइम बात कर रहे होंगे वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज द पिच, उसकी कंडीशन पे। शेर अली कह रहे हैं जी सर वी ओनली स्कोर 230 इन 3 सेशंस, सर 229 ही किया आज हमने, सर 55 रन इन फर्स्ट 57 है, लुक्स लाइक मैनेजमेंट आस्क्ड बैट्समैन टू इंप्रूव एवरेज बाय 5, व्हाट वाज द प्लान? यही बात कर रहे हैं शेर अली साहब, कल 245 पे एक आउट, तो आज आके किसी सूरत में भी इनको 3.5 रन पर ओवर से नीचे नहीं खेलना चाहिए था, और अगर इस तरह खेलते तो इतने रन इनके टी तक हो जाते जितना इन्होंने डिक्लेयर किया, और आखिरी पूरा सेशन आप उनको बॉलिंग करवाते, यू नेवर नो, 2 विकेटें मिल जाती, 3 भी मिल जाती, यू नेवर नो, शायद कोई भी ना मिलती, इट्स क्रिकेट। लेकिन बात आपकी बिल्कुल बजा है, ये थोड़ी सी समझ से ऊपर वाली इन्होंने आज स्ट्रेटजी से खेला है और डिफेंसिव अप्रोच ज्यादा नजर आई है, बीच में कोशिश भी कर रहे थे मारने की जो सच्ची बात है लग भी नहीं रही थी इनसे, और ये हकीकत है क्योंकि सारा मैच हमने यहाँ बैठ के देखा है। तो एनीवेज जनाब दूसरी जानिब भी अभी जाएंगे, डीके साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान शोइंग ऑफ, दे मिस द ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया विल डिसाइड द मैच। जी भाई, डिसाइड द, ऑस्ट्रेलिया कांट डिसाइड द मैच, दिस मैच इज बियॉन्ड ऑस्ट्रेलियाज हैंड्स, ये मैच भाईजान ऑस्ट्रेलिया नहीं डिसाइड करेगा, पाकिस्तान कुड हैव डिसाइड दिस मैच, द फेट ऑफ दिस मैच नाउ, रिजवान इज ऑल राइट, अगर तो हम विकेट का लेते हैं देन इट इज ओके, अगर हम विकेट नहीं ले पाते तो फिर भाईजान माजरत। जी एब्सोल्युटली, देखिए जी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में तो खैर डिसाइड इस मैच की फेट नहीं है अभी, क्योंकि अगर चलो वो 2 दिन नहीं तो 5 सेशन तो उनको लगेंगे ना ये रन उतारने, बिल्कुल लगेंगे, कल वो बहुत कर लें 325 कर लेंगे, मतलब 350 अगर उन्होंने ये रन उतारने भी हैं तो 4.5-5 सेशन तो वो खाएंगे ना कम से कम, तो उनके हाथ में चीजें नहीं है, पाकिस्तान अभी भी बहुत बेहतर पोजीशन पे है। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग में आएगा और आते ही आउट हो जाएगा। बहुत बेहतर पोजीशन पे है पाकिस्तान, अब ये है कि ये विकेट चटका लें जरा, पहले सेशन हर सेशन में ये 2-2 विकेट भी ले, किसी में 3 तो फिर भी काम बनता नजर आता है, विकेट लेना जरूरी है, एक बॉलर शॉर्ट है, हमने एक बैट्समैन ज्यादा खिलाया हुआ है, बॉलर्स पे अब जरा भरोसा करना पड़ेगा। और भाईजान बोतल फड़ा देना, ताड़ी गड्डी उत्ते रखिए, थोड़ा सैड दे, बंदा कह रहा है जी गड्डी मैं कट भी है तो जरा अपना जबरदस्त एनालिसिस थोड़ा सैड ते हो गए। पानी भी है ठंडे ठंडे आपकी तरह, तो चीजें पाकिस्तान के हाथ में। जी भाईजान बॉर्डर पार चलें, जी चले 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 जी, फिर बोलिए जडेजा के तो आप दोस्तों ज्यादा की है, बहुत बड़ी ज्यादा की है, देखे ना 4 नहीं 3 आउट हो जाते हैं मैक्सिमम, यही होता ना, 5 नहीं आउट हुए, अगर 9 बॉल वाला भी आप डाल ले 3 आउट हो जाते हैं, 2 आउट हो जाते हैं, कोई भी आउट होता कोई बात नहीं। भाईजान ये माइलस्टोन जो है ये रोज रोज नहीं बनते, एब्सोल्युटली। और फिर जिस तरह इस नंबर पे बैटिंग करते हो, जिस तरह वो खेला है, और खेला किसके साथ है, अश्विन के साथ, आपके तो सारे प्लेयर आउट हो गए थे भाईजान, अश्विन के साथ खेला, हैट्स ऑफ टू अश्विन, ही प्लेड रियली वेल,
उसके बाद आपको क्रेडिट देना पड़ेगा शमी को, उसने 10-12 बॉलें लगाई, पहले तो रन ही नहीं था उसका कोई, फिर उसने भी 20 रन कर लिए अपने। Absolutely. ये फायदा होता है जब एक तरफ दलेर प्लेयर खेल रहा होता है, दूसरी तरफ भी यही होता है। मुझे बताएं 25 रन से कौन सी क्यामत आ जानी थी, कोई लॉजिक मुझे समझाएं। आज कोई नहीं बोल रहा क्योंकि ये डिवाइड है, इनको एक वो पसंद है, लेकिन पसंद का मतलब नहीं होता कि देखें वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह के रिकॉर्ड्स बनते हैं। आप रोज रोज 200 के नजदीक नहीं जाएंगे, और ये ठीक है डोमेस्टिक में इसके बहुत 100 हैं, 100-100 है, लेकिन इंटरनेशनल में कितने 100 थे इसके टेस्ट में जडेजा के, और अगर आज डबल सेंचुरी का और वो कर लेता 100% कर लेता, आप उसको आप चांस तो देते, 4 ओवर दे देते ना, बाहर से आप मैसेज देते भाई हमने डिक्लेयर करना है, यू हैव 4 ओवर्स 3 ओवर्स 2 ओवर्स और 4 ओवर ही थे टी से पहले, क्योंकि टी से 15 मिनट पहले डिक्लेरेशन की कोई समझ से बाला भाई जान वो 10 मिनट तो चेंज ओवर में लग जाते हैं ना, 10 मिनट उसमें उन्होंने फिर अर्ली टी ही ले ली, उन्होंने कहा जी अर्ली टी ही हम ले लेते हैं। अर्ज कर रहा हूं 15 मिनट आप उसको देते, 3 ओवर में उसने 25 रन यूं रख देने थे आपको। भाई जब नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए 200 बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादती है, और 200 वाला वो भाईजन करो ना जरा वो 200 वाला रात के शो में करेंगे वो जरा तरीके से, नहीं वो रात को मैंने एक नए स्टाइल में करना। अच्छा हाँ तो 200 के बाद वो जो तलवार निकलती तो था, लेकिन रिजवान देखें बी रियलिस्टिक ला, मतलब ये कोई इमोशनल बात नहीं है, लेकिन ज्यादती है कि आ एक बंदा 175 पे खेल रहा है, तेज खेल रहा है, छक्के चौके मार रहा है, तो भाई 25 रन कौन से 2 साल बाद आने थे। और आपके अजहर अली ने कितने रन कितना टाइम लिया 90 से 100 तक, काफी टाइम लिया वहां पे, आप लोग अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि आपका रन रेट बहुत तगड़ा था और आपने अभी 5 सेशन भी कंप्लीट नहीं खेले हुए थे, तो थोड़ा सा अगर 4 ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता था ये आइडियल हो जाता, लोग फैंस भी खुश हो जाते और टीम को फर्क ना पड़ता, कोई फर्क नहीं था, टीम दिन बड़े हैं अभी, टीम की पोजीशन को कोई फर्क भी ना पड़ता। ये वैसे ही है कि जब ये कोहली 250 पे डिक्लेयर कर दिया, खुद ही कप्तान था मैच, इंडिया ठीक ठाक अभी सेशन रहते थे, जीत गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ था आई गेस, तो ऐसा जब मौका आता है तो यू गिव योरसेल्फ सम चांस, 4-5 ओवर जो है टेस्ट क्रिकेट में आप कर सकते हैं, लेकिन एनीवेज टीम की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, पौने 500 रन अभी भी ऊपर हैं, 4 विकेटें उनकी ले चुके हैं। अगर ये मैच 5वें दिन चला गया आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। केड़ा वाला जिस मैच की गल कर रहे हो, नहीं नहीं इंडिया वाला तो नहीं जाता 5वें दिन, इसीलिए तो कह रहे हैं उनके पास तो बहुत टाइम था। शेर अली भाई कह रहे हैं जी सर पिच का बताइए, अपना पूरा मैच कवर किया है, पिच कैसी लगी है जी, एंड विल इट डिटेरियोरेट? रिजवान भाई नोमान अली विल बी द की इन माय ओपिनियन। जी भाई आपसे पूछे आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर ये एक और स्पिनर लेफ्ट आर्म जो इनका एश्टन एगर है उसको खिलाते तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करता, ठीक ठाक मसाइल पैदा करता, लेकिन इन्होंने गलती की है, वो मैं ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट बात कर रहा था उसका खैर ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा इस चीज को प्लेयर्स कहीं ना कहीं माइंड करते हैं, जो उसने हिस्ट्री बताई अपनी टीम की के बड़े खिलाड़ी कमिंस की बात करें, स्टार की बात करें, हेजलवुड वगैरह की, जो लाइन में ऐसे हायरार्की बनी होती है कि किसी को बाहर बिठाएं तो वो कुछ उसको अच्छा महसूस नहीं करते। अब पता नहीं ये वो यही कह रहा था ये दकियानूसी किस्म की सोच है, बट दिस इज हाउ इट इज। अब उन्होंने वही जो इंग्लैंड में खिलाते हैं टीम बॉलिंग अटैक, जो ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं वही उठा के यहाँ पे खिला दी। हालांकि जब जब भी इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को डाला है इंडिया में ओकीफ अच्छा परफॉर्म कर गया, यहाँ पे यूएई वगैरह में व्हेनेवर दे गिव अ चांस टू लेफ्ट आर्म स्पिनर तो उसने अच्छा ही परफॉर्म किया, इनके पास मौजूद भी था, हाइट भी उसकी अच्छी थी, उसको अच्छी असिस्टेंस मिलनी थी और पाकिस्तान के लिए दुश्वारी पैदा होनी थी, उन्होंने टीम पिक करने में गलती की और इस पिच पे इसी पिच पे वो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर देता। पाकिस्तान ने फिर भी अच्छी देखे, उनके 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स थे तो भाईजान कितनी विकेटें ली उन्होंने, 1 विकेट लिया कमिंस ने, 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर एक बॉलिंग ऑलराउंडर तो 1 विकेट उसने ली है सिर्फ, और ओवर्स आप देख ले कितने करवाए हैं उसने, तो इस एतबार से पाकिस्तान ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग सिलेक्शन कर ली है कि 2 प्रॉपर एक लेफ्ट आर्म और एक राइट आर्म स्पिनर डाले हैं और 2 ही फास्ट बॉलर तक रखा है। अभी तक तो पिच ने जो बिहेव किया है उस एतबार से लगता है कि पाकिस्तान ने
पिच बेहतर रीड करते हुए दो प्रॉपर जेन्युइन स्पिन बॉलर डाले हैं और मुझे लगता है पाकिस्तान वुड बी इन अ बेटर पोजीशन देन ऑस्ट्रेलिया व्हेन दे विल बी बॉलिंग। जब मेरा जाती ख्याल यह है कि हम एक बॉलर शॉर्ट हैं और आपने दिमाग में रेन को बिल्कुल नहीं रखा, आपसे मुराद है टीम मैनेजमेंट ने, और मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो अप्रोच है वो अप्रोच ये किया। यस यू आर राइट, एगर को होना चाहिए था, लेकिन मैं तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा ना, पाकिस्तान ने जो गलती की मेरे हिसाब से वो यही गलती की है कि ये एक बॉलर शॉर्ट गए। बेशक वसीम जूनियर होते, बेशक आप देखें, आपको यासिर शाह यहाँ पे आपको बार बार याद आएगा, ये पिच नहीं डेटोरिएट होती अपना शेर अली साहब, ये बड़ी देखें यहाँ दो ही पिचें होती हैं, या आपने फास्ट बॉलर्स के लिए बनानी है या आपने ये बैटिंग पैराडाइज, स्पिन विकेट बन ही नहीं सकती पिंडी में, आपको बार बार कहा है। और यहाँ का वेदर और बाकी चीज़ें देखें जो अप्लाई करें, अगर ये फ़र्ज करें थोड़ी सी घास छोड़ते, फ़र्ज करें छोड़ते, तो अगर बैट्समैन प्रॉपरली जैसे इमाम ने अप्लाई किया, जैसे अजहर अली ने अप्लाई किया, जैसे बाबर आज देखे, ये लोग बाबर का रन आउट हुआ है, बाबर जैसे खेल रहा था, कमाल की बैटिंग कर रहे थे, जो बात सही है। आज असल में शोर मचाना आसान है, लेकिन जब आप अंदर, हम तो सामने बैठ के देखते हैं ना, बाकी दोस्तों को तो मौका नहीं मिलता, तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। बाबर वॉज प्लेइंग रियली वेल, अगर बॉल थोड़ा सा ग्रासी पिच होता और बसदार बैट पे आता, लोगों को पता नहीं है, जो यहाँ खेले हैं जिन्हें पिंडी का पता है उन्हें पता है कि बॉल पूरी तरह आता है इस पे बैट पे। गलत किया पाकिस्तान ने, इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली, इतना फटा विकेट बना के कोई फायदा नहीं, 474-75 आपने ठोक दिया है। फर्ज करें अगर ऑस्ट्रेलिया भी ठोक देता है तो पांच दिन और बारिश ना भी हो, तो भाईजान इस मैच का रिजल्ट सिर्फ एक सूरत में निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप हो जाए या दूसरी इनिंग में पाकिस्तान फ्लॉप हो, वरना कुछ नहीं होना इस मैच। लेकिन जी एट द मोमेंट तो यही लग रहा है कि आपके दो बंदों ने 150-150 कर लिया और दोनों की पोजीशन जो है टीम में कच्ची पक्की थी। 10 मैच के लिए पक्की हो गई, नहीं इस मैच से पहले भी कच्ची पक्की थी। अजहर अली पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, इमाम को मौका मिला काफी अरसे के बाद, दे डिड वेल फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द टीम टू ऑब्वियसली। अब ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नहीं लगता कि जो आई होप के ऐसा हो कि वो इनको जल्दी पकड़ लें, लेकिन मुझे लगता है वो भी लंबी बैटिंग करेंगे और बहुत पाकिस्तान को स्पेशल किस्म की एफर्ट चाहिए उनको आउट करने के लिए। अंकित पटेल कहन जी, सर यू बोथ लुक रॉक जी, पाकिस्तान 550 ऑन बोर्ड, व्हाट यू थिंक? नहीं हो सकता, डिक्लेयर हो गया अंकित पटेल जी और डिक्लेयर हो गया 474/4 डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने, और उन्होंने सिर्फ एक ओवर बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया, 550 करके डिक्लेयर हो गया पाकिस्तान का काम और अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहे हैं। श्री सिंह कह रहे जी, ड्रैविड इज सेटिंग एन एग्जांपल, इट्स अ टीम गेम, नॉट फॉर वन पर्सन, ही विल स्टिल बी अ ग्रेट प्लेयर विदाउट स्कोरिंग 200। सर आपकी लॉजिक, आपको मुबारक हो, आई डोंट एग्री विद दिस लॉजिक। नहीं देखिए, अगर वो 25 रन और करता तो सिर्फ उसके नाम के साथ 200 ना आते, इंडिया की जो टोटल रन है उसमें भी 25 रन ऐड हो जाता, ऐड होते। और दूसरी बात है कि क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता था? जी बिल्कुल कर सकता था, मैंने अभी आपको लॉजिक दी। एक तो ये कि बड़ी तेजी से ये खेले हैं, तो सेशन इन्होंने लेस कंज्यूम किए हैं, बिफोर पांचवें सेशन इनके रन 600 हो जाते बोर्ड पे, तो 15 मिनट पहले इन्होंने जो टी के डिक्लेयर किया है तो वो अर्ली टी ले ली उन्होंने, तो 15 ओवर में 3-4 ओवर हो जाते तो उसको पता होता, वो कर लेता उसमें। तो ये छोटी मोटी बात पे ये कह देना कि जी इट्स अ टीम गेम, तो इसलिए वो नहीं किया गया। भाईजान 575 रन है ना बोर्ड में, तो ये बात कर रहे हैं, अगर ना होते तो फिर ये मैं ये देखता कि ये कैसे टीम बात होती। आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो पांचवा दिन पूरा बचेगा वो भी फिर आप टीम गेम के हवाले कर देना, क्योंकि वो 3 सेशन मोस्ट लाइकली ऐसे ही चले जाएंगे बगैर खेले हुए। तो बहुत ऐसी कोई मुश्किलात में नहीं था मसला कि आप 3-4 ओवर उसको नहीं दे सकते थे। टीम गेम है, हमें पता, हम तो आज कह रहे हैं कि भाई ये टीम गेम है, आपने 100 कर लिया इमामुल हक साहब, अभी आप तेज खेलें, अजहर अली साहब 100 कर लिया, 150 कर लिया, आप तेज खेलें आप, तो वी नो दिस इज अ टीम गेम। हम तो कह रहे हैं कि जो बाद में बाबर रिजवान वगैरह भी आते वो तेज खेलते, बेशक आउट हो जाते, वो 50 गेंदों पे 40-45 गेंदों पे 35 भी करके जाते तो लोग वाह वाह करते, क्योंकि टीम को जरूरत इस चीज की है। वी नो इट्स अ टीम गेम, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अफोर्ड कर सकता था इंडिया, और जडेजा को 3-4 ओवर और दिए जा सकते थे। नंबर 7 चाहिए थे, नंबर ये तो डिबेट है ही नहीं कि वो ग्रेट है या नहीं है। अब सचिन तेंदुलकर नहीं 300 किया तो क्या वो ग्रेट नहीं है? है,
लेकिन जब मौका मिल रहा है ही इज सो क्लोज टू डू इट आई डोंट नो वेदर ही इज गोना गेट अनदर चांस टू मेक 200 इन अ टेस्ट क्रिकेट व्हाइल प्लेइंग एट नंबर 7 तो अभी मौका था तो हो जाता ये बात हो रही है और आप बादल अली साहब आप ठीक कह रहे हैं बादल अली साहब करना चाहिए था आप नहीं करने दिया आप क्या करें एक मैन साहब ने हाँ तो पांचवा पूरा जो दिन है मुझे लगता है कि वो बच जाएगा तो वो अगले मैच में 6 दिन नहीं हो जाएंगे अगले में 5 ही रहेंगे ना भाई जान तो अंकुर चौहान कह रहे हैं जी $10,000 लगाए हैं जी ड्रॉ पे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे योर थॉट्स बिल्कुल सही लगाए हैं आप जीत गए हैं भाई जान ये सोच समझ की भाई वैसे तो मोस्ट लाइकली यही होने जा रहा है जिस पे आपने लगाए हैं लेकिन ये ना होगे फिर एंड पे आपको ऑस्ट्रेलिया अगर बुरी तरह फेल हो जाए और बारिश ना आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता तो अंकुर चौहान जी ये ना हो बाद में आप किसी मतलब बैठे हो जरा गमे तन्हाई में तो जरा सोच समझ के ये आपका अपना ही फैसला भैया ये 10 के साथ आएंगे कितने ये नहीं बताया ने। तुसी वे जो कमीशन लेना है वो होता है ना रेट होता है अच्छा, रिजवान साहब अच्छा जी अंकुर चौहान साहब कितने आपको मिलेंगे अगर इतने आपकी हाँ, बात वो रेट होता बता दीजिए जरा हमारी क्यूरियोसिटी के तो लिए फिर मैं आपको मजीद कुछ बताऊंगा हमारी क्यूरियोसिटी के लिए ये क्योंकि कभी डबल होता है भाईजान तुसी यही काम कर दे आज दसो जरा कितने मिल जाएंगे एक का 10 होते हैं अच्छा जी कितने होते ना भाईजान एक का 10 दिस इज मिस्टर मुबारक डी सिल्वा ही इज अवर फ्रेंड ही केम फ्रॉम श्रीलंका ऑल द वे टू कवर दिस टेस्ट मैच मिस्टर डी सिल्वा हाउ आर यू थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिस्कसिंग अबाउट दी betting yeah in cricket are you enjoying your time in pakistan mr de silva yes I am enjoying also with tea and your hospitality what happened to your team in india like they are playing against india but they are not good enough to play versus india yes of course we are always under pressure in india because of some unknown reason think the indian boys is always very high quality okay so mr arvinda de silva roti choti khadi sir aaj labbi koi nahi kyon late ho gaye sir sare te itthe roti de majority khan aandi hai waise tusi reh gaye sir excellent so ye hamare bade senior journalist hai jaise asgar ali mubarak aur michael atherton se inka bada pecha pada tha isi pindi stadium mein to mashallah bahut senior case thok diya tha bhai jan un pe उन्होंने क्या बोला था गेट दिस बुफून आउट ऑफ हियर गेट ऑफ फ्रॉम माय बैक भाईजान केस कर दिया था माइकल थर्टन पे उसने माफी मांगी थी फिर माइकल थर्टन ने समिट फ्यू कई इंटरनेशनल मतलब तुसी हर किसी नाल पंगा लेंदे हो देखिए जब क्रिकेट लॉयर है ना वकील भी है वकील भी है अपने केस लड़ते रहते हैं एक्चुअली बात ये सारी जो बात है क्रिकेट एंटरटेनमेंट हो गई है जैसे जो चैनल जिस तरीके से आप किस अंदाज में कर मैं समझता हूँ फर्स्ट नंबर वन चैनल स्पेशली जो स्पेक्टेटर वहाँ बैठे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके कमेंट्स रादर देन जो अंदर बैठे हुए हैं कमेंटेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस है सैल्यूट टू यू ऑल ऑफ यू यार सिल्वा साहब ये सैल्यूट टू यू थैंक यू ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट हाई मोस्ट वांटेड प्रोग्राम भाईजान तानू असि पैसे दे के तारीफ तो नहीं करवा रहे नो आई दे देंगे मैं चौहान साहब की बात सुन के आया था जो चौहान साहब कह रहे हैं जी इतने लगा दिए हैं तो चौहान साहब एंजॉय करें इनकी बात है एक के साथ जरूर 10 मिलेंगे थैंक यू तो जनाब ये थे असगर साहब अभिषेक कुमार जी 200 बनाना चाहिए अभिषेक कुमार जी जडेजा का 200 बनता था क्या करे भाईजान फिर हम राती लेटर लिखते हैं चलो खैर है एट द एंड ऑफ द डे अभी देखें ये बच जाएंगे इनके सेशन 2-3 आराम से 15 सेशन में से तो दे कुड हैव गिवन हिम अ चांस अविनाश तिवारी की तरह से भाई माजद के साथ कहना जी वेरी वेरी स्लो स्कोर ठीक कह रहे हैं माजद की क्या बात है हम खुद भी यही बात कर रहे हैं भाई और सुबह से कर रहे हैं जब कोई भी नहीं कर रहा था तो सुबह जब हम आए थे तो तब से पता चल गया था भाई ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान स्लो क्यों खेला बताओ जी भाईजान नर्सिंग कोचिंग एमी साहब ये बताएंगे रिजवान साहब तो यही तो बात कर रहे हैं ना सुबह से 10-20 मिलेंगे भाई जान ला दियो अंकुर चौहान जी बारिश करा देंगे मसले तो लेट जावांगे अंकुर चौहान जी नो कमेंट्स इट्स योर डिसीजन मैं तेरे नाल हां भाई मुंडिया एब्सोल्युटली मैं नाल हां इट्स योर डिसीजन
और प्रॉफिट लॉस आप ही का है, आप ही ने फैसला नहीं, वो मेनू कड़ा हूँ कमीशन देगा, लेकिन हम, मैं कह रहे हैं मिलेगा, हम ये इंडोर्स नहीं कर सकते, मैं इंडोर्स कर रहा हूँ भाई जान, इनकी बात सुन ले आप, मैं तो ऐसे कामों से दूर ही रहता हूँ। हाँ, तो मैं कड़ा रोज यही करता रहना यार, व्हाट इज दिस। एनीवेज भाइयों, अभी फिर इतना ही, और अगर आप दोस्तों ने वो फ्लोरिडा से यूएसए से नहीं देखा वीलॉग मैंने बनाया था, रोड वगैरह आते हुए पिंडी भी दिखाया, ग्राउंड भी दिखाया, कैसे क्राउड देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, किस रस्तों से आते हैं, कैसे आते हैं ग्राउंड में, तो वो वीलॉग मौजूद है। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसका कमेंट पिन कर दूंगा, तो आप अपनी मोहब्बतों का मुजाहरा करते हुए ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक्स्ट्रा थोड़ी हट के एफर्ट की है, कुछ आप दोस्तों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, रात को हम बताएंगे सहा की आज मीटिंग भी थी बीसीसीआई के साथ, और पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों का जो कल मैच है उस पे भी हम एक स्पेशल सेगमेंट बीच में रखेंगे रात वाली वीडियो, ठीक है जी। अभी अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, रब रखा, बाय बाय। चैनल भी दोनों चैनल अपने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को, जी जी बेल आइकन भी, ये डिसिल्वा साहब कह रहे हैं जी, बेल आइकन भी होता है वहाँ पे, जब आप सब्सक्राइब के बटन को दबाते हैं तो उसको भी टर्न करके, जी आप ही कहते हैं आके, देखें जी जडेजा कैसे, घंटी होती है, घंटी को जरूर आप, ताकि हमारी शक्लें आपको जो है वो याद आती रही और आप बार बार हमें देखते रहे। हाय हाय, ऐसी खूबसूरत बात कर दी डिसिल्वा साहब आपने। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, एक्सीलेंट सर।